Okay, dear student. So next, come to page number 82 of your book. So we'll do one sample program by using by taking input through a असाइनमेंट ऑपरेटर. तो देखिए, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें एरिया, पैरामीटर एंड डायगनल फाइंड आउट करने हैं स्क्वायर के. तो आपने देखिए कमेंट लाइन दी, टू फाइंड द एरिया, पैरामीटर एंड डायगनल ऑफ द स्क्वायर. आपने क्लास बनाई स्क्वायर, फिर स्कोप स्टार्ट किया क्लास का. देन यू हैव मेड अ मेन फंक्शन, अंदर आपने लिख दिया इंट एस एरिया और पेरीमीटर. ये तो हम कैलकुलेट करेंगे, और ये साइड है, और डबल डी इक्वस टू 0 0. अब आपने साइड पहले ही इनपुट करवा ली, एस इक्वस टू 25. तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम हो गया, वैल्यू इनपुट करा लिया आपने. अब एरिया में एरिया कैलकुलेट होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, एस इंटू एस. तो एस और एस तो यही हो गए, 25 इंटू 25. पेरीमीटर हो गया 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 25. और डायगनल हो गया मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट 2 इंटू एस, अंडर रूट स्क्वायर रूट 2 इंटू साइड होता है ना डायगनल. तो ये हमने फंक्शन से निकाल लिया. अब आपने तीनों को प्रिंट करा लिया. जब आप इन तीनों को रन करवाएंगे तो रन टाइम पे आपसे वैल्यू नहीं मांगेगा, क्योंकि आपने पहले ही थ्रू द असाइनमेंट ऑपरेटर यू हैव ऑलरेडी असाइंड द वैल्यू ओवर हियर. ठीक है, तो दिस इज अ एग्जांपल हाउ यू कैन टेक इनपुट थ्रू अ असाइनमेंट ऑपरेटर. बट इन अ गुड प्रोग्रामिंग यू शुड नॉट यूज दिस मेथड. व्हाई? If there is, if it is not mentioned in the question, you can do it with this. You will get the full marks. But you should not. Why? क्योंकि इस ये कोड को, जो कि जावा का एक फीचर है, reusability of code, we cannot reuse this code. कर सकते हैं हम इस कोड को reuse बार बार? ये तो हमेशा 25 का ही क्या निकालेगा, स्क्वायर और पेरीमीटर निकालेगा. तो हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि जब भी हम रन टाइम पे जो वैल्यू डालें वो उसका प्रोग्राम निकाल, उससे अकॉर्डिंगली प्रोग्राम बनाए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जावा प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट. फंक्शन के थ्रू हमने आर्ग्यूमेंट्स लिए. ठीक है, मेन फंक्शन के थ्रू. तो हम इसमें कैसे करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके साथ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट नहीं लेके हम यहाँ पे वो वैल्यूज लेते हैं जो हमें इनपुट करानी होती है, और एट द रन टाइम विल प्रोवाइड दिस वैल्यू. ठीक है, तो देखिए कैसे इससे प्रोग्राम बनाते हैं. हमने वही सम और एवरेज निकालना है, सपोज 3 नंबर का सम और एवरेज. तो ये हमने कमेंट लाइन दे दिया, सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर. पब्लिक क्लास एवरेज लिखा हमने यहाँ पे. मेन फंक्शन बनाया इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी. ये ले लिया ना हमने फंक्शन आर्ग्यूमेंट. 3 नंबर का सम हमने इनपुट कराना है, तो 3 नंबर इनपुट कराने होंगे. या तो हम उसे इस मेथड से करा लें, असाइनमेंट ऑपरेटर से, तो हमें तीनों वैल्यू यहीं पर देनी पड़ेगी, इंटीजर ए इज इक्वल टू 2, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस. मगर हमने ऐसे नहीं लिया, फंक्शन आर्ग्यूमेंट से लिया. तो हम ये मेन क्लास के अंदर ले सकते हैं ए बी सी. यहाँ पर हमने सम इक्वल टू 0 ले लिया और एवरेज इक्वल टू 0 0. सम फंक्शन क्या कर, ये सम वेरिएबल क्या करेगा, सम स्टोर करेगा 3 नंबर का और ये एवरेज. अब सम इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पुट करिए लॉजिक, सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और एवरेज इज इक्वल टू जो भी सम आया उसका 3. ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं. ठीक है, किसी भी 3 नंबर का एवरेज क्या होगा, उन तीनों का सम ओवर 3. ठीक है, अब इन दोनों को प्रिंट करवा लिया होगा यहाँ पे. ठीक है, दोनों को प्रिंट करवा लिया. तो क्या हुआ, देखिए जैसे ही आपने ये प्रोग्राम कोड विंडो में लिखा, जो अभी हमने डिस्कस किया, आपने उसे कंपाइल कराया, तो आपसे आपका ब्लू जे प्लेटफॉर्म वैल्यूज पूछेगा. यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इंट ए बी सी, जो भी वैल्यूज आप उस टाइम पे डालेंगे उसी का सम और एवरेज निकलेगा. तो ये प्रोग्राम क्या है, वी कैन रीयूज दिस प्रोग्राम, क्योंकि जितनी बार हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे उतनी बार ब्लू जे प्लेटफॉर्म हमसे वैल्यूज पूछेगा, एंड एवरी टाइम वी कैन प्रोवाइड इट विद डिफरेंट वैल्यू एंड इट विल कैलकुलेट द सम एंड एवरेज अकॉर्डिंगली. ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स होती है. नाउ दीज टू मेथड, जावा प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग स्ट्रीम क्लासेस. ठीक है, जो बफर रीडर. तो बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रीम क्लासेस, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट आर द स्ट्रीम. सो वी हैव टू टाइप ऑफ स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम क्या है बच्चे, देखिए सपोज ये आपका सीपीयू है. क्या है, सीपीयू. ठीक है, ये आपका क्या है, इनपुट है, और यहाँ पर आपके क्या है, आउटपुट है. ठीक है, यहाँ से प्रोसेस ऐसे ही होता है ना, इनपुट सीपीयू और आउटपुट. तो इनपुट से, ठीक है, सीपीयू की तरफ जो स्ट्रीम जा रही है प्रोसेस करने के लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट डाउन इट इन योर ओन वर्ड, मेनी टाइम इट इज आर्ट, व्हाट इज द इनपुट स्ट्रीम, व्हाट इज आउटपुट स्ट्रीम. सो द इनपुट डेटा और द सेट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स एक स्ट्रीम, नदी की स्ट्रीम होती है ना, पानी की स्ट्रीम होती है ना, फ्लो होता है जो. सो द फ्लो ऑफ डेटा विच इज गोइंग फ्रॉम अ इनपुट डिवाइस टू सीपीयू फॉर प्रोसेस
is known as input stream. And after processing, the stream of data which is going from CPU to the output or the console display करने के लिए उसको बोलते हैं output stream. ठीक है, अब इन दोनों streams के बीच में एक क्या होता है, buffer. क्या होता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बफर होता है. देखिए हमारा सीपीयू बहुत 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 फास्ट है एंड वी कैन नॉट प्रोवाइड सच स्पीडी इनपुट टू अ प्रोसेसर, सो समटाइम्स अवर प्रोसेसर सिट आइडल एंड इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. सो इन बिटवीन दीज टू इनपुट एंड द सीपीयू वी हैव अ बफर. बफर क्या करता है, जब भी हम इनको इनपुट देते हैं तो वो बफर में स्टोर हो जाता है और एक कंटिन्यूस फ्लो सीपीयू को मिलता रहता है काम करने के लिए. तो बफर क्या है, बफर एक्चुअली क्या है, एक इंटरमीडिएट हाई स्पीड डिवाइस है, टेम्पररी डिवाइस बिटवीन द इनपुट एंड द प्रोसेसर. ठीक है, टू इन किस लिए होता है, ताकि सिंक्रोनाइज रहे. क्या सिंक्रोनाइज रहे, द स्पीड ऑफ इनपुट डिवाइसेस एंड द प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर बहुत फास्ट है. व्हाट इज द नीड ऑफ, अगर अब ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाएगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है यू कैन गिव आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन. बफर की क्यों जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमारा इनपुट इतना फास्ट नहीं हो सकता है कि हम कंटिन्यूसली सीपीयू को डेटा ट्रांसफर करते रहे, बिकॉज सीपीयू इज अ वेरी वेरी फास्ट यूनिट. सो टू सिंक्रोनाइज द स्पीड बिटवीन इनपुट एंड सीपीयू देयर इज अ टेम्पररी स्टोरेज विच इज नोन एज बफर. यहाँ टेम्पररी डेटा सिर्फ स्टोर रहता है और कंटिन्यूसली पास होता रहता है सीपीयू को फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है, ये आप यहां से पढ़ सकते हैं. ठीक है, इनपुट स्ट्रीम और बफर. ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम है आपकी बुक में, नहीं दिया हुआ है. ठीक है, समझ में आ गया. सो नेक्स्ट ऑफ द चैप्टर विल कंटिन्यू लेटर. लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज.